क्या आप बार बार गुर्दे में बन रही पथरी से परेशान हो रहे हैं? मेटाबॉलिक वर्कआउट फॉलोड बाय डाइटरी मॉडिफिकेशन। मैं तो अपना डॉक्टर दक्ष महाजन, आई एम द कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंडोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन एसोसिएटेड विद अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कॉमन यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी जानकारी शेयर करना चाहूंगा। वो प्रॉब्लम है रेकरेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशन। मेरे पास जो किडनी स्टोन के पेशेंट्स आते हैं उनमें से ज्यादातर पेशेंट्स के ऑलरेडी पहले स्टोन बनते रहते हैं, उन्होंने ऑपरेट करवाया होता है या फिर उनके छोटे स्टोन कई बार निकले होते हैं। तो वो मुझसे आके सबसे पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि मेरे बार बार स्टोन्स क्यों बन रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस पेशेंट में एक बार स्टोन बनता है उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल पेशेंट से, और उनके स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। तो इसके लिए हम उनका एक मेटाबॉलिक वर्कअप करते हैं जिसमें कुछ एक ब्लड टेस्ट होते हैं और अगर ऑपरेट किया है स्टोन एनालिसिस होते हैं, ताकि हम पता कर सके कि इनके मेटाबॉलिज्म में क्या कमी है जिसकी वजह से बार बार स्टोन्स बन रहे हैं। एक बार वर्कअप हो जाता है तो आपका यूरोलॉजिस्ट आपको कुछ एक मॉडिफिकेशंस बताता है, जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं विच मेनली इंक्लूड द डाइटरी मॉडिफिकेशन। आपको एक डाइट बताई जाती है, क्या लेना है, क्या अवॉइड करना है, आपके फ्लूइड इनटेक की मैनेजमेंट होती है, एंड आफ्टर दैट अगर किसी पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट भी की जाती है, ताकि आपका दोबारा स्टोन बनने के चांसेस एकदम मिनिमम या नील हो जाए। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं देन आई एम अवेलेबल एट अमनदीप मेडिसिटी ऑन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे।